रात्रि क्लास चल रहा था। 12 अप्रैल 1968 पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। बांधेली माताओं को बाबा बता रहे थे कि अगर कोई जबरदस्ती करते हैं, बिल्कुल ही जबरदस्ती, तो फिर तुम्हारा कोई दोष नहीं है, परंतु फिर भी लाचारी हालत है, अपने को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ही काम को जीतना है, ऐसे नहीं कहते क्रोध को जीतना है, नहीं, काम जीते जगत जीत गाया हुआ है। अब जितना जितना जो काम जीतेंगे उतना उतना जगत में जीत पहनने वाले बनेंगे। अब हम काम पर तो जीत पहन रहे हैं और सबको ऐसे ही कहते हैं कि बेहद का बाबा कहते हैं काम को जीतो और जगत जीत बनो। अब ये बहुत ही कॉमन बात है सुनने की कि काम इंद्रिय को जीतो, काम को जीतो। पीछे कृष्ण को न माने, चलो कृष्ण को शिव को माने। अरे शिव को न माने, कृष्ण को माने, पर मुख्य अक्षर तो ये है कि काम पर जीत पहनना है, जगत जीत बनो। जगत का जीत तो यही है। कौन है, किसकी तरफ इशारा किया है? मैं सारा क्या है? अरे दुनिया भर का क्यों लिखना, एक ही अक्षर लिख दो, जगत जीत साकार आदम। अरे यही है वहां सभा में 68 में अप्रैल में 12 अप्रैल को किसकी तरफ इशारा किया बाबा ने? यही है, कोई है सामने क्या है? आदि लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। अरे बाबा ने इमर्ज करके बोला जो मुकर्रर रथधारी की आत्मा है, जो ब्रह्मा बाबा में शिव आते थे तो मुकर्रर रथधारी के साथ ही आते होंगे कि अकेले आते होंगे? है हाँ, तो बोला यही है जगत जीत। अब ये तो बच्चे जानते हैं, क्या कच्चे हैं तो जानते हैं, बच्चे हैं तो जानते हैं, कच्चे हैं तो कैसे जानेंगे? और बच्चों को समझाया है बाप ने, जिन्होंने कोई काम विकार के ऊपर जीत लड़ाई लड़के नहीं पाई, लड़ाई कर करके जीत पाई हो, हिंसक लड़ाई करके जीत नहीं पाई है। ये जीत पहनना ये पवित्रता की ताकत है। और कहते भी हमेशा ऐसे ही हैं कि प्योरिटी है तो पीस है एंड प्रॉस्पेरिटी है। पवित्रता नहीं तो शांति भी नहीं,
धन संपत्ति भी नहीं, कोई प्रॉस्पेरिटी की बात ही नहीं। तो मुख्य बात है प्योरिटी की। देखो उन तथाकथित ब्रह्मा कुमारी ने तो गीत बनाए हुए हैं, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो। अरे भाई गीत गाने से कोई योग थोड़े ही हो जाता है। प्रैक्टिकल पवित्र रहने से योग कहा जाता है ना। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा हुई हो और फिर कोई ब्रह्मा कुमारी पवित्र रही हो तो उसे योगिन कहेंगे या भोगी कहेंगे? योगी ही कहेंगे ना। तो बाबा के साथ योग लगाने से प्योर बन जाते हैं, सतो प्रधान बन जाएंगे। तो सतो प्रधान बनने का तो पुरुषार्थ बच्चे करते ही रहते हैं, और ये सतो प्रधान बनने के लिए एक दूसरे को कोई न कोई को सुनाते ही रहते हैं। तो जो सुनते रहते हैं उनको दिल से लगता है, और जिनको दिल से लगता है वो फिर पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं पवित्र रहने का। पीछे क्या होता है, पीछे कभी नीचे होते हैं कभी ऊपर होते हैं। ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर बार बार चलता रहता है। नीचे ऊपर क्या, ऊपर माने ऊंची स्टेज होती है तो जीत पाते हैं, और नीचे देवहानि की स्टेज होती है तो हार जाते हैं। तो बताया इस पवित्रता की पावर लाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। दैवी गुण क्या है? हाँ, देवताएं कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते, हमला नहीं करते, हिंसा नहीं करते है? सुख देते हैं ये दुख देते हैं। हाँ, देव का आ जाता है जो दे, क्या दे, सुख दे। तो देखने में आता है किसमें दैवी गुण नहीं होते हैं। राक्षसी गुण होता है तो तंग करता है, आसुरी गुण होंगे तो दैवी गुणों का पुरुषार्थ है करेगा नहीं। दैवी गुणों का पुरुषार्थ करता रहेगा और आसुरी गुणों वाला उनको तंग करेगा। तो कहेंगे ना फीते एक समान नहीं होते है ना, और इसमें बच्चे ये इसको जो बनवा होता है ना, हद की बादशाही लेने के लिए भी और बेहद की बादशाही लेने के लिए भी है, कहती है ना तप कर राज, राज कर नरका। तो नरक माने कहां चले गए, कांटों के जंगल में चले गए ना। तो अभी भी तुम भी देखो कोई जेवर पहनती हो कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई भी इन बातों से दिल नहीं लगती है कि हम श्रृंगार करें जेवर पहने है, और कोई हमारी तरफ आकर्षित हो। और ये जानते हो
कि जेवर तो बोलते अति चार मिलेंगे, जब तुम पवित्र बनेंगे। और अभी इनमें अगर जेवरों में हमारा बुद्धि योग पिछाड़ी में चला गया, कौन सी पिछाड़ी में, ये कलयुग का अंतिम जन्म है ना, और पुरुषोत्तम संगम युग का श्रेष्ठ जन्म है, ब्राह्मण जन्म मिला ना ब्रह्मा का, ब्रह्मा से। तो ये पिछाड़ी के जन्म में, अगर पिछाड़ी में ये बुद्धियोग हमारा जेवरों में श्रृंगार करने में बनाव ठनाव करने में चला गया, तो अंजाम क्या होगा, गिर पड़ेंगे ना, पतित हो पड़ेंगे ना, शक्ति छीण हो जाएगी ना। तो इसलिए बाबा ने एकदम वैराग्य दिलाई दिया कि भाई सारी दुनिया से वैराग, किसी से कोई प्यार नहीं, बारह अप्रैल 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज चौथी लाइन। तो सारी दुनिया से वैराग तो अब गई, मिल हो गई, बस अब मैं आत्मा कोई से प्यार नहीं, कोई से लगाव नहीं, मैं अकेला हो गया। आत्मा भी अकेला हो गया और यूं देह से भी अकेला हो गया कि देह से कोई के साथ लगाओ, बुद्धि जाए है नहीं, आत्मा से शरीर से दोनों से वैराग आ गया। जब वैराग आता है ना, विपरीत राग, राग माने प्यार, वै माने विपरीत, तो वैराग जब आता है तो त्याग किया जाता है। तो देखो यहां पुरुषोत्तम संगम युग में तो सब कुछ त्याग करना पड़ता है, बाकी अकेला अपन सुना ही है। पुरुषार्थ तो पवित्र रहने का तुम बच्चों को करना ही है, याद में रहेंगे तो पवित्र बनेंगे, और बुद्धि में रहे कि हम अकेले आए हैं, फिर अकेले अब वापस जाना है। कोई से भी बुद्धि योग लगाएंगे तो क्या होगा, अकेले जा ही सकेंगे है? बैराग आएगा, कहाँ जाएगा बैराग हुआ है? अगर कोई से बुद्धि योग लगाते रहेंगे, तन का लगाव लगाते रहेंगे, वाचा से लगाव लगाते रहेंगे, रज रज की बातें करते रहेंगे, तो क्या होगा है? अकेले जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। अब ये तो जानते हो कि ये बेहद का ड्रामा षष्ठी रूपी रंगमंच पर शुरू हुआ तो हम अकेले आए थे या कोई के साथ आए थे? अकेले आए थे ना, अभी तो ड्रामा पूरा होता है, तो जाना तो होगा कंपल्सरीली। और जाना है कैसे, बाबा को याद करते करते जाना है, प्यार से याद करते करते जाएंगे तो सहज हो जाएगा। ये बाबा को याद क्यों करना पड़ता है, क्यों का जवाब है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से पतित बनते रहे हैं, हाँ। तो अभी आत्मा को पावन होना है, तन से भी पावन होना है, मन से भी पावन होना है,
वाचा से भी पावन हो जाए। अभी तो बुद्धि में आ गई ना बात, तो अभी तो बहुत सहज है। और बताएं कि इन बच्चियों को भी तकलीफ तो नहीं होती है, और पुकारती भी है कि आ करके हमको पावन बनाओ। तो पावन बनाने वाले को पुकारते हैं ना, किनको है, उनको पुकारते हैं, उनको माने किनको, आत्माओं के बाप को भी पुकारते हैं और मनुष्य के उस बाप को भी पुकारते हैं, हैं? पुकारा जाएगा तो साकार निराकार दोनों मिलकर के होंगे या एक 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 ही होगा, अकेला साकार या निराकार दोनों को बुलाएंगे ना, पुकारते हैं कि आ करके पावन बनाओ। अकेले निराकार को बुलाएंगे तो बिंदी आकर के पावन बनाएगी पुदुक पुदुक करके, है नहीं? कोई संकरंग लगेगा नहीं लगेगा। अब देखो गंगा को तो नहीं पुकारते हैं, है? गंगा को पुकारते हैं, गंगा को नहीं पुकार, फिर किसको पुकारते हैं? गंगुआ तेली को, है? किसको पुकारते हैं? पतित को पुकारते हैं या पतित पावनी जो गाई हुई है उसको पुकारते हैं? है तो गंगा भी पतित पावनी नहीं, अंतिम जन्म है ना, तो अंतिम जन्म में गंगा भी क्या बन जाती है, पतित बन जाती है ना। आपकी गंगा को भी नहीं पुकारते, जमुना को, ये जमुना के पानी को भी नहीं पुकारते। बाबा ने समझाया था ना कि देखो पानी तो सतयुग में भी नदियों में होता है और पानी कलयुग में भी नदियों में होता है। नदियां तो यही होती है, हद में भी यही, और यही आत्माएं बेहद में सतयुग में भी होती है, देवी है, देवी की देवियों के रूप में होती है ना, होती है। अब नंबर बार कोई 16 कला संपूर्ण, तो कोई 14 कला संपूर्ण, तो कोई 12 कला का संपूर्ण है, और कोई 8 कला से भी नीचे उतरने वाली होती है, होती है ना। कब कब है? अरे कलयुग में 8 कला से नीचे होती है, त्रेता के अंत में 8 कला से नीचे पूछा ना, हाँ द्वापर के आदि में 8 कला से नीचे होती है। तो वो तुम बच्चों को है जो सतयुग में त्रेता में तुम बच्चों को अदब में रहती है, अभी देखो बेअदब हो जाती है। सभी तत्व दुश्मन बन जाते हैं, है? जिनको शास्त्रों में देवी देवता नाम दिया गया है? नहीं क्या धरणी देवता, पृथ्वी देवता है? नहीं दिया, हाँ, आकाश देवता, वायु देवता, अग्नि देवता नाम दिया ना, हाँ? अभी सभी दुश्मन बन जाते हैं। वो देवात्माएं भी कलयुग में आके क्या बन गई, हाँ? जड़ बुद्धि बन गई, पत्थर बुद्धि, लकड़ बुद्धि बन गई के समझदार बन गई नहीं। तो देखो जब नई दुनिया बनती है तो वो दोस्त बन जाते हैं, है? ऐसे तो दोस्त बन जाते हैं कि ये पृथ्वी कोई भी मेहनत किए बगैर ही बहुत अन्न देती है,
देती है कि नहीं, कि कमाना धमाना पड़ता है, नहीं खेती करनी पड़ती है, नहीं बहुत फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, या ऐसे नहीं कीड़े मकोड़ों वाला अन्न दे, नहीं एकदम फर्स्ट क्लास है। तो गोया अभी तुम बाप आकर के तुमको सुखधाम का मालिक बनाते, अभी तो तुम दुखधाम के मालिक बन गए है। देखो तुलसीदास ने गाया भी है, क्या मैं पति तन को राजा, तो दुखधाम के मालिक हो गए ना, पतितों के राजा माने पतित दुनिया में आके पतित बन। अब बनना भी जरूर है बच्चों को, क्योंकि शांति धाम, सुख धाम, और फिर कौन से धाम में जाना होता है, है? दुख धाम में जाना होता है। ये चक्र चलता ही रहता है, क्या पहले शांति धाम, फिर शांति धाम से उतर करके सुख धाम, फिर सुख धाम से उतर करके दुख धाम, सबको आना पड़ता है, या कोई कोई को आना पड़ता है तीनों धाम में, या नहीं आना पड़ता। हाँ यही क्रम चलता है विराम है, जैसे सुबह से शाम, शाम से सुबह होती रहती है ना, ऐसे ही है जब दुनिया में विनाश बरपा होता है तो सब आत्माएं शरीर छोड़ के शांति धाम में जाती है, आत्मलोक में, वहां शांति शांति है, तो वहां से उतरेंगी तो सुख धाम में आएंगी, कौन से युग में है, कौन से युग में सुख धाम में आएंगी, है सतयुग में आएंगी सिर्फ है, पुरुषोत्तम संगम युग में सुखधाम में आएंगी। अच्छा अरे सभी आत्माओं की बात हो रही है या दो चार आत्माओं की बात हो रही है, सभी की बात हो रही, तो सभी पहले जन्म में आएंगी तो सुखधाम अनुभव करेंगी या दुखधाम अनुभव करेंगी, सभी आत्मा पहले सतो प्रधान पार्ट बजाती है, सुखधाम अनुभव करती है, सुख अनुभव करती है कि दुख अनुभव करती, सुख अनुभव करती, फिर बाद में सुख भोगते भोगते आत्मा देह के संग में, देह की इंद्रियों के संग के रंग में आते आते नीचे गिरेगी नहीं। हाँ तो कौन सा संग सत्यानाशी हुआ, ये देह का संग ही सत्यानाशी, इसको याद करना भी सत्यानाशी, अपनी देह हो चाहे देह के संबंधियों की देह हो, कोई भी देह हो, अजीज ते अजीज, वो सब सत्यानाशी, क्या सत्यु के आदि में, सत्यु के आदि में जो शरीर होते हैं है, सतो प्रधान शरीर होते हैं ना, तो वो सत्यानाशी, नीचे गिराने वाले या ऊपर उठाने वाले, बताओ, वो ऊपर उठाते हैं। अच्छे हाँ सत्यु के आदि से ही, आदि माने कब से, जब से 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं देवी देवताएं, तब से लेकर के कलयुग के अंत तक, कलाहीनता तक क्या होता है, देह का संग नीचे ही गिराता जाता है, और तेजी से नीचे गिराता चला जाता है, पहले धीमे धीमे गति से कलाएं कम होती हैं, फिर तेजी से नीचे गिरते। तो देखो दुखधाम में तो सबको जाना ही है, और शांति धाम सुखधाम में भी जाना है, तो ये याद भी करो बच्चे, और पवित्र भी रहो, और तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, क्या याद करो हा? अरे अभी बता दिया, किसको याद करने से ही पतन हो जाता है, वाचा से बात करना पतन, और
कर्म इंद्रियों से संग करना पतन, ये तो होता ही है, लेकिन याद करने से पतन होता है, अपनी देह को भी याद करने से पतन होता है। तो क्या करो है? याद करो। किसको याद करो फिर? एक को याद करो, जैसे ब्रह्मा कुमारियां एक बिंदी को याद करती है नहीं, अरे फिर किसको याद करो? इसे दुनिया में कोई पावन है क्या है? विदेही को याद करो है? जो देह में नहीं है, विपरीत देही, जो देह को धारण नहीं करता है, उसे विदेही को याद करो है? साकार में निराकार को याद करो, माने जिस भी साकार पतितन में, पतितम कामी काके में भी शिव निराकार प्रवेश करते हैं, उसी स्वरूप को याद करो। क्या कोई को याद करना नहीं? तो ये याद करने में कोई तकलीफ आएगी हा? नहीं आएगी। अच्छा, वो पतितम कामे गाटा तंग नहीं करेगा है? अरे हाँ या ना? अरे करेगा, वाह वाह, बूढ़ी माता ने तो कह दिया नहीं करेगा, नौजवान छोकरा कहता है करेगा। कैसे कैसे पतित, वो पतित तन कामी काटा तंग करता है, वाचा से भी पतित है, पतित है कि नहीं है? वाचा से भी पतित है, कर्म इंद्रियों से पतित है, और मनसा में, संकल्पों से, मनसा से भी, संकल्पों से भी पते, तो दुख ही देगा ना हा? और बाबा क्या कहते बच्चे, ब्रह्मा बाबा क्या कहते बच्चे, किसके पास आए हो, किसकी गोद में आए हो, किसकी गोद में आए हो? तो क्या जवाब देते बच्चे हा? दो ही जवाब देते, कोई तो कहते हम दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में आए, वाह गया फेल है दूर हट, और अगर कहते हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो फिर क्या अनुभव होगा, दुखदाई अनुभव होगा या सुखदाई अनुभव होगा है? भाव प्रधान विश्व रचि राघा है, उस भाव से जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। याद कर लो, भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे उस भाव से सो तस फल चाखा, वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। ओम शांति।